अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। दोस्तों, आप कौन से सोलर प्लेट यूज कर रहे हैं और आपको कौन सी सोलर प्लेट यूज करनी चाहिए? वो लोग जिन्होंने सोलर प्लेट इंस्टॉल की हुई है वो लोग कितने ज्यादा फायदे में, और वो लोग जो सोलर प्लेट इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उन्हें कौन सी सोलर प्लेट इंस्टॉल करनी चाहिए कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो और एफिशिएंसी भी अच्छी हो। पाकिस्तान में जो सोलर प्लेट्स आ रही हैं आजकल, अगर उनकी हम बात कर लें, उसमें से जो टॉप 4 की सोलर प्लेट्स हैं वो कौन सी हैं और वो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और किस सोलर पैनल में कितना ज्यादा फर्क आता है कीमतों का भी और क्या मामलात होते हैं, ये तमाम तफसीलात आपको आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे कि टॉप 4 सोलर प्लेट्स कौन सी हैं और वो क्यों हैं और उनमें जो फर्क है, खास तौर पे असल चीज होती है फर्क, एफिशिएंसी का कितना एक बड़ा फर्क आ रहा है कि आपको ये सोलर प्लेट इंस्टॉल करनी चाहिए और ये फिर नहीं करनी चाहिए, उसमें क्वालिटी किसकी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, ये जो मामलात हैं ये कस्टमर पूछ रहा होता है बार बार। और इस मामले में जो आप आम शहरी होता है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो आज की वीडियो में आपसे ये चीज डिस्कस करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है जनाब, एक दरखास्त होती है, एक शिकवा भी होता है कि आपने से बहुत से दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इजी होकर रिलैक्स होकर वीडियो को लाइक कर दें, थम्सअप दे दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में बाहर से भी प्लेटें इंपोर्ट हो रही हैं और जो पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है तकरीबन सारी बाहर से हो रही होती है, खैर बाहर से इंपोर्ट हो रही है क्या बात है। पाकिस्तान में जो इस वक्त नंबर 1 पे सोलर प्लेट है दोस्तों, वो है कैनेडियन टॉपकॉन 575 वॉट। अगर आप ये प्लेट लगाने जा रहे हैं तो आप समझ लें कि आपने सबसे ज्यादा बेहतर चीज का इंतखाब किया। कैनेडियन टॉपकॉन का फायदा क्या है? कैनेडियन टॉपकॉन जिनको से लॉन्जी से और इसके साथ साथ आपकी जो नया वेरिएंट आया है 6 का या X6 का या एकॉम के जो वेरिएंट्स हैं, इन सब में सबसे ज्यादा बेस्ट है कैनेडियन। परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज अगर बात कर ली जाए और लॉन्ग लास्टिंग होने की बात कर ली जाए और इसके साथ साथ जो बिल्ड क्वालिटी होती है, प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्वालिटी होती है, जो मटेरियल यूज हुआ होता है, वो कैनेडियन टॉपकॉन का सबसे ज्यादा बेहतर है इस वक्त जो पाकिस्तान में ओरिजिनल प्लेट आ रही है। इस वक्त अगर हम बात कर लें कैनेडियन टॉपकॉन की प्राइस क्या चल रही है, कैनेडियन टॉपकॉन आपको बाजार में इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट, अगर आप लाहौर से ले रहे हैं, हॉल रोड से, मुल्तान से, हुसैनागंज मार्केट से ले रहे हैं, पेशावर की कारखानों मार्केट से ले रहे हैं, कराची के सदर बाजार या बोल्टन मार्केट या कहीं से भी ले रहे हैं, और क्वेटा, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला की जो बड़ी मार्केट्स हैं सोलर की, अगर वहां से ले रहे हैं तो आपको इस वक्त जो मिलना चाहिए रेट, वो मिलना चाहिए 45 से 46 रुपए पर वॉट के दौरान में, दरमियान में जो है वो ये चल रही है कैनेडियन की टॉपकॉन 45 से 46 रुपए। मैक्सिमम इसका रेट जो है वो 46 तक जा सकता है, एक आम छोटे दुकानदार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जब पैलेट खरीदने जाएंगे, एक पैलेट में 31-32 प्लेटें, कुछ कंपनियों में 32, जो कैनेडियन टॉपकॉन है उसमें 31-32 भी आती हैं, तो आप ये देख लें कि आपको ये 44 रुपए पर वॉट भी बाजार में आजकल मिल जाएगी, वैसे इसका रेट 45 हर जगह पे चल रहा है। तो ये है नंबर 1 प्लेट पाकिस्तान में कैनेडियन टॉपकॉन 575 वॉट। इसके बाद कौन सी प्लेट आ जाती है? इसके बाद जनाब पाकिस्तान में अगर हैं आप और पाकिस्तान में आप सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके बाद जो प्लेट आती है दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज और अच्छा परफॉर्मेंस वाइज ये ज्यादा अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अगर इसकी हम कहें तो वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों जिनको की एन टाइप प्लेट, जिनको की जो एन टाइप है जिसमें 575, 580, 585 वॉट के वेरियंट आते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर आती है। इसका और कैनेडियन का फर्क कितना है? इन दोनों का फर्क दोस्तों मैक्सिमम सिर्फ 1% का है, 1 से 1.5% तक जो है वो जाता है इफिशियंसी वाइज। तो लोग कहेंगे कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी की जो दुनिया होती है ना, अगर आज एक नई प्लेट आ जाए पाकिस्तान में और वो 0.5% भी कैनेडियन टॉपकॉन से ज्यादा इफिशियंसी रखती हो तो वो नंबर 1 पे आ जाएगी। नंबर 1 की दौड़ है यहाँ पे असल चीज जो है, जो लोग कैनेडियन टॉपकॉन की जगह जिनको एन टाइप लगवाएंगे वो भी नुकसान में नहीं जाएंगे। मकसद कहने का ये है कि उन लोगों को जो है वो 1% शायद कम मिलेगी, ये कोई बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा महीने में, लेकिन फर्क है। अच्छा जी, जिनको एन टाइप का क्या रेट चल रहा है? जिनको एन टाइप की कीमत की बात कर ले तो जिनको एन टाइप का जो रेट है इस वक्त वो 43 से 44 रुपए पर वॉट चल रहा है। जिनको एन टाइप और टॉपकॉन जो कैनेडियन है इसमें फर्क है 2 रुपए पर वॉट का। तो मजमुई तौर पर आप ये देख लें, जो नंबर 1 है उसके रेट में थोड़ा फर्क है कहीं ना कहीं। तो ये है वो बेसिक फर्क।
बिल्ड क्वालिटी जिनको एन टाइप की कैनेडियन से बहुत ज्यादा कम है। तीसरे नंबर पे कौन सी प्लेट आती है पाकिस्तान में? तीसरे नंबर पे दोस्तों आती है हाइमो 6। हाइमो 6 में आप 580 वॉट, 85, 75 का कोई सा भी वेरिएंट ले ले। अच्छा, हाइमो 6 की क्या चीज है? हाइमो 6 की जो बिल्ड क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका मटेरियल है जो यूज हुआ है, जो उसका फ्रेम है, वो कैनेडियन टॉप कौन के मुकाबले का है, जबकि जिनको एन टाइप से बहुत दर्जे बेहतर है। अगर आपने उसको कहीं इंस्टॉल किया और जब उतार रहे हैं फिर दूसरी जगह इंस्टॉल कर रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग इस मेयार में है कि उसकी क्वालिटी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिनको एन टाइप से एफिशिएंसी क्वालिटी उसकी तकरीबन 1.5% कम है, 1.5 से 2% तकरीबन कहने कम है, 2% तक चली जाती है, वैसे 1.5% तक है। तो ये है इसका तमाम का तमाम सिनेरियो। अच्छा, अब लॉन्जी के कस्टमर्स को एक चीज हुई है, जो लॉन्जी की नई प्लेट आई है हाइमो 7। अच्छा, वो पाकिस्तान में ज्यादा नहीं आ रही है, अभी बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा माल उसका अभी इतना नहीं है। और फिर कुछ दोस्त इस कश्मकश में है कि ये ओरिजिनल मिल भी रही है, नहीं मिल रही, अक्सर जगह ओरिजिनल मिल रही है। तो इसके अगर हम रेट की बात कर लें तो ये बिल्कुल कैनेडियन टॉप कॉन के मुकाबले की प्लेट है, एफिशिएंसी वाइज अगर हम बात कर लें और स्ट्रक्चर वाइज भी फ्रेम के। तो इसका जो रेट है मार्केट में दोस्तों आजकल वो भी चल रहा है 45 और 46 रुपए पर वॉट। जो हाइमो 7 है ये है दोस्तों एन टाइप पे बनी हुई और ये है 18 बस बार जो होते हैं उसके साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी आई हुई है। ये सिंपली तौर पे जो आपकी जिनको एन टाइप है उससे 1 से 1.5% ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है और ये कैनेडियन टॉप कॉन के बिल्कुल साथ मुकाबले की प्लेट है, बशर्तिया के आपको मार्केट से 585 या 90 वॉट वाला ओरिजिनल वेरिएंट मिले सिंगल ग्लास में। तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर है और एफिशिएंसी भी खासी बेहतर है। पाकिस्तान में ये चार प्लेटें इस वक्त टॉप पे जा रही हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाती है कैनेडियन टॉप कॉन, फिर आपकी हाइमो 7 आ जाती है इसके बिल्कुल साथ साथ, फिर उसके बाद जिनको एन टाइप आ जाती है और फिर हाइमो 6 आ जाती है। अच्छा, अब इस चार्ट में अगर हम बात कर लें कि टॉप 5 में भी अगर हम लेके जाना चाहें तो टॉप 5 में जो है जेए, आपने सुना होगा नाम, पाकिस्तान में जेए को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन जेए टॉप 5 कंपनियों में दुनिया में इस टाइम रैंकिंग वाइज जेए गीगा वॉट में जो है वो अपने प्रोडक्शन करता है और टॉप 5 कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में जेए जो है वो लिस्ट में मौजूद है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। जेए की जो एन टाइप है 16 बस बार के साथ वो इन टॉप 5 की लिस्ट में आती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो खासी बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी खासी बेहतर है। अगर आप ये चार प्लेटें नहीं ले सक रहे तो आप जेए की जो आपकी ये एन टाइप की है 16 बस बार के साथ जो कि मार्केट में इस वक्त 43 रुपए और 42 रुपए पर वॉट में अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो टॉप 5 की प्लेटें हैं अगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं और ये खरीद रहे हैं तो आप इस चीज का इत्मीनान रखें, अगर आपने इनकी ओरिजिनल प्लेट खरीद ली है तो आपने पाकिस्तान में जो इस वक्त पूरी एक लॉट मौजूद है कंपनियों की और सोलर पैनल्स की, उनमें से बेहतरीन सोलर पैनल्स का इंतखाब किया है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की, आपके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे उस हवाले से वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।